चलिए देखते हैं। आज एक नया स्मॉल कैप जिसका नाम है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। आप लोग सुने होंगे इसके नाम, आप अगर नहीं सुने होंगे तो ये रहा उसका साइज, जिंदल स्टेनलेस, जो एक जिंदल का एक ग्रुप है, जैसे JSW हो गया, जिंदल स्टेनलेस एक दूसरा भाई का है, OP जिंदल जो जिंदल ग्रुप मेन ग्रुप है, उसमें से चार अलग अलग है, जिंदल 100, JSW, जिंदल स्टील एंड पावर एंड जिंदल स्टेनलेस। ये चारों कंपनी अलग अलग भाई लोग का है, भाइयों का, तो ये उनमें से एक जिंदल स्टेनलेस, उस जो कंपनी स्टील में है, स्टील सेक्टर में, और कैप्टिव पावर प्लांट है, ये उसका चार्ट है। अभी उसका रेट जो है 134 के आसपास है। मोटा मोटी देखा जाए कंपनी ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं, ज़्यादा बुरा नहीं, ठीक ठाक है। अब उसका चार्ट में ऐसा लग रहा है कि अभी ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेगा। अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे थोड़ा बियरिश है, लेकिन मंथली में बुलिश है। अब डे वाइज में जाइए, अभी चले आगे थोड़ा एक रेजिस्टेंस है 200 में, मूविंग एवरेज का 138 में। आप एक काम, ये इसको लेने के लिए इससे सबसे बेस्ट तरीका है, छोटा सा स्टॉप लॉस दीजिए और थोड़ा पोजीशन बनाइए, क्योंकि ये देखिए धीरे धीरे ऊपर तक गया, एक करेक्शन लिया, अभी फिर से ऊपर चलने का कोशिश कर रहा है। अगर स्टॉप लॉस का हिट हो गया तो छोड़ देंगे उसको, नहीं तो वो हम उसके साथ साथ धीरे धीरे राइड करेंगे। जैसे ही 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा, मोस्टली स्टॉक कैसे होते हैं, ऐसे चलते हैं, यहाँ से चला, यहाँ से चला, फिर यहाँ से थोड़ा करेक्शन किया, फिर यहाँ से चलते हैं, फिर यहाँ से करेक्शन करते हैं, ऐसे कर करके चलते हैं। अब ये है, ये देखना है कि इसमें कैसे चलेगा। अगर ये यहाँ से पलटा तो हम लोग स्टॉप लॉस देंगे और निकल जाएंगे, अगर यहाँ से चला तो हम उसके साथ राइड करेंगे। स्टॉक स्टॉक का जो पहला टारगेट है 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा तो 150, 150 से ऊपर सीधा 200। तो ये है जिंदल स्टेनलेस। अगर आप इसका प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो ये है टर्नओवर उसका 22,000 करोड़ के आसपास है, 22,000, और प्रॉफिट उसका 2,000 करोड़ के आसपास। देखिए आप उसका प्रॉफिट में कुछ बहुत ज़्यादा बढ़क हुई है इस कुछ साल पहले, कुछ साल पहले ये तो NCLT में ही था, अभी है उसका प्रॉफिट बहुत जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। ये 2021 में 500 करोड़ करता था, 22 में सीधा 2,000 करोड़ में आ गया, उससे पहले सिर्फ 70 करोड़ में करता था 20 में। तो कभी कभी ऐसे कंपनी बहुत तेजी से ऊपर चलते हैं, तो आप उसको नजर में रख सकते हैं, कैश पोजीशन बना सकते हैं। कंपनी स्टील सेक्टर में है, जैसे ही मार्केट में थोड़ा उछल आएगा दूसरे मेटल स्टॉक के साथ ये भी चलेगा, तो आप उसमें नजर रख सकते हैं। कैश पोजीशन बनाएंगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बना सकते हैं, अगर ऊपर तक 200 टारगेट हिट करेगा तो अच्छा खासा हमको एक प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये रहा एक, ये था आज का एक स्मॉल कैप का। आगे चल के इस स्टॉक के बारे में हम वीकली या मंथली एक बार देखेंगे कि स्टॉक का पोजीशंस क्या है, प्राइस कहाँ पर है, और उसके साथ अभी क्या पोजीशन बनाया जाए, काटा जाए, वो सब आगे चल के रिव्यू करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।